दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जैगुआर जैसे फुर्तीले जानवर और क्रोकोडाइल जैसे खतरनाक जानवर के बीच लड़ाई होगी तो क्या होगा? आज हम आपके लिए जानवरों के 5 खतरनाक लड़ाइयों के वीडियोस को लाया है, जिसमें लेपर्ड, वर्थक, हाइना, ऑस्ट्रिच, हिप्पो, लायन, एलिफेंट, राइनो, जैगुआर और क्रोकोडाइल जैसे खतरनाक जानवर आपस में लड़ेंगे, तो इनका अंजाम क्या होगा, आइए देखते हैं। नंबर 5, लेपर्ड वर्सेस वर्थॉग। दोस्तों, एक लेपर्ड अपना पेट भरने के लिए शिकार को जंगल में खोज रहा है। तभी उस लेपर्ड की नजर एक वर्थॉग पे पड़ती है, जिसके पास 2 बच्चे भी होते हैं। वर्थॉग यहाँ पे आराम से घास को चर रहा था और उसे पता भी नहीं होता है कि उसके आसपास खतरा मंडरा रहा है। लेपर्ड बहुत ही चालाकी के साथ धीरे धीरे वर्थॉग की तरफ बढ़ता है और सही मौके पर वर्थॉग पे हमला कर देता है। लेपर्ड वर्थॉग के शरीर पर झपट जाता है और उसके गर्दन दबोच लेता है। दोस्तों, तभी वहाँ एक हाइना आ जाता है और वो हाइना भी वर्थॉग पे हमला कर देता है। वर्थॉग अपने ऊपर हमला होते हुए देख बहुत ही गुस्सा हो जाता है और ये लेपर्ड और हाइना पर अटैक करने लगता है। उसके बाद वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। नंबर 4, हाइना वर्सेस ऑस्ट्रिच। दोस्तों, यहाँ पर इन दोनों शुतुरमुर्ग के अंडों में से बच्चे निकल आए हैं और ये दोनों माँ बाप बहुत खुश है। लेकिन दोस्तों, बगल में ही हाइनास घूम रहे थे और इनकी नजर ऑस्ट्रिच की छोटे बच्चे पर होती है। हाइनास के झुंड में से एक खूंखार हाइना शुतुरमुर्ग के बच्चों की तरफ बढ़ता है, लेकिन शुतुरमुर्ग अपने बच्चों के साथ होती है, इसीलिए हाइना को वापस लौट कर आना पड़ता है, क्योंकि गुस्सा आने पर शुतुरमुर्ग बहुत ही खूंखार रूप ले लेता है। हाइनास को अपने बच्चों की तरफ आता देख शुतुरमुर्ग उन हाइनास को वहाँ से खदेड़ देता है। नंबर 3, हिप्पो वर्सेस लायन। दोस्तों, हिप्पो एक बहुत ही भारी भरकम जानवर होता है जो कि पानी में रहना पसंद करता है। यहाँ पर यह हिप्पो पानी की तलाश में भटक रहा है और वो हिप्पो घूमते घूमते जंगल के राजा शेर के इलाके में आ जाता है। दोस्तों, हिप्पो पानी नहीं मिलने से काफी परेशान है, इसीलिए हिप्पो यहाँ से जाने वाला नहीं है। जैसे ही हिप्पो पानी के अंदर कदम रखता है, शेर उस पर हमला कर देते हैं और वो प्यासा हिप्पो भी शेर के झुंड पर हमला कर देता है। शेर कुछ देर तक हिप्पो को वहाँ से भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शेर भी हार मान जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हिप्पो पानी में चला जाता है और आराम से बैठ जाता है। नंबर 2, एलिफेंट वर्सेस राइनो। दोस्तों, एलिफेंट और राइनो दोनों ही बड़े आकार के जानवर होते हैं और दोनों ही बहुत ही ताकतवर होते हैं। लेकिन क्या होगा जब हाथी और राइनो के बीच लड़ाई होगी? यहाँ पर यह हाथी मस्ती में चलता हुआ आ रहा है, जबकि पास में ही एक गेंडा घास खाने में इतना व्यस्त है कि उसे पता ही नहीं चल रहा कि उसके तरफ एक हाथी बढ़ रहा है। तभी हाथी उस गेंडे के पास पहुँच जाता है और उस पर हमला करने लगता है, और गेंडा भी अपने आप को बचाने के लिए हाथी पर हमला करने लगता है। थोड़ी ही देर में दोनों के बीच की लड़ाई खूंखार रूप ले लेती है और दोनों जानवर एक दूसरे को हराने में लग जाते हैं। मगर गेंडे को जल्द ही अंदाजा हो जाता है कि वो हाथी से नहीं जी सकता, इसीलिए गेंडा यहाँ से भागने में ही अपनी सलामती समझता है। नंबर 1, जैगुआर वर्सेस क्रोकोडाइल। दोस्तों, जैगुआर ये शातिर होने के साथ साथ बहुत ही फुर्तीला जानवर होता है, और जहाँ तक बात करें क्रोकोडाइल की तो ये भी बहुत ही खूंखार जानवर होता है। ये जैगुआर शिकार को ढूंढ रहा था, तभी की नजर पानी में तैरते हुए क्रोकोडाइल पर पड़ती है और जैगुआर अपने कदमों को धीरे धीरे बढ़ाते हुए क्रोकोडाइल की तरफ बढ़ता है। जैगुआर को मौका मिलते ही क्रोकोडाइल पर हमला बोल देता है और मगरमच्छ भी अपने आप को बचाने के लिए इस जैगुआर पर हमला करने लगता है, और धीरे धीरे दोनों के बीच की लड़ाई एक खूनी रूप ले लेती है। लेकिन जैगुआर इस मगरमच्छ के गर्दन को दबोच लेता है और जैगुआर इस मगरमच्छ को जंगल की तरफ ले जाने लगता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले, जिससे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे।